नमस्कार, मैं आपका साथी रमेश भंडाली। भाई बिग बॉस और सलमान खान से प्यार करने वालों के लिए ये खबर जो है वो थोड़ी मायूस करने वाली है। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सलमान भाई का कुछ लफड़ा वगैरह हुआ है, तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं। अरे सलमान खान जो है वो तो सलमान खान है, है? तो फिर जब ये कुछ नहीं हुआ तो खबर खबर है बिग बॉस की। जी हाँ, बिग बॉस का ये जो सीजन 13 है, नहीं 13 मतलब आपका नहीं, 13 हाँ, तो ये जो सीजन 13 है वो दर्शकों को काफी लुभा रहा है। और इस बार वो शो में वैसे ही इंटरनेट का जो तड़का लगा है वो खूब बेहतरीन वाला है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो जो डर्टी पिक्चर आई थी ना, वो विद्या बालन वाली, हाँ वो डर्टी पिक्चर वाला विद्या बालन का डायलॉग जैसे बिग बॉस वालों ने अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया हो। कि वो कहते ना उस डायलॉग में क्या था वो, कि शो सिर्फ 3 चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और वो भी क्यों, मैं पब्लिक को आखिर में चाहिए इंटरटेनमेंट चाहिए ना। अब देखिए ना, महाराष्ट्र के जो नेता लोग हैं सभी पार्टियों के, वो भी आजकल यही तो कर रहे हैं, मतलब इंटरटेनमेंट। क्या अपन तो भाई वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। तो भैया लोगों, बिग बॉस जो है वो इस वक्त टीआरपी लिस्ट में काफी आगे चल रहा है। और वो भी क्यों, आखिर दूसरों के झगड़े देखना इस देश में किसे पसंद नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, है? बाहर से झगड़े की आवाज अगर आ रही हो तो हम घर के टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं और कुछ लोग तो म्यूट कर देते हैं। क्या हूं? क्या हूं? हाँ, और खुद के घर में अगर झगड़े हो रहे हो तो बढ़ा भी देते हैं, ए जरा तेज कर, जरा तेज कर। और फिर बिग बॉस के झगड़े तो क्या बात है। वैसे आपको अब हम बता दें कि बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्य जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो शो में देवोलीना की तबीयत बिगड़ गई है और देवोलीना भट्टाचार्य जी को बैक इंजरी की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टास्क के दौरान देवोलीना को चोट लग गई थी और उसी वजह से वो घर के किसी भी टास्क में हिस्सा नहीं ले पा रही है। मतलब गेम में जो है मजा भी नहीं आ रहा है। वैसे खास बात तो ये है कि देवोलीना इस बार बिग बॉस में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है। लेकिन अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद देवोलीना पूरी तरह से आराम करने के लिए अपने घर वापस जा सकती है। हालांकि देवोलीना के शो छोड़ने को लेकर अभी तक चैनल की ओर से किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। वो तो खबर है तो हम आपको बता रहे हैं और आप भी जो है देख रहे हैं। अब अगर खबर देख भी ली है तो सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है, तो सब्सक्राइब भी करिए और जो है शेयर वगैरह करते रहिएगा, तो हम आपको ऐसी खबरें और भेजते रहेंगे, आपके और आपके दोस्तों के काम आएगी। अब दीजिए अपने साथी निमिष को इजाजत। अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।